देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं किचन में अपना तिलकुट प्रसाद बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं, थोड़े से लिए हैं मैंने तिल, ये करीब एक बाउल के बराबर है। और फ्रेंड्स, इतना ही मैंने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में अब हमें करना है, इनको थोड़ा सा हमें हल्का सा भूनना है। तो हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइम हमारा नहीं जाएगा, थोड़ी सी देर में ये भून जाएंगे। तो आप इनको हल्का सा भून लीजिए, उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमारे तेल अच्छे से भून चुके हैं। तो गैस को आप ऑफ कर दीजिए फ्रेंड्स। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से इनको ठंडे होने देंगे। फ्रेंड्स, आप इस पैन को फिर से रख लीजिए, एक चम्मच देसी घी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुड़ है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें करीब देखिए एक चम्मच के आसपास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा तो आप इसकी चाशनी बना लीजिए। ठंडे हो चुके हैं थोड़े से, तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं और हमें इन्हें दरदरा करना है, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो देखिए हमने जो ये तिल थे इनको देखिए अच्छे से दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा मैंने इनको फाइन पाउडर नहीं पीसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए हमारा हो चुकी है चाशनी, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए अच्छे से गुड़ हो चुका है हमारा मेल्ट और देखिए अच्छे से पकने लगी है। आप चाहें तो पानी में डालकर देख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स देखिए इधर से देखिए हमारे जो झाग है ना, देखिए कितने बबल्स उठ रहे हैं। जब ये सफ़ेद सफ़ेद से झाग आपके गुड़ के होने लगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका गुड़ अच्छे से रेडी हो चुका है। तो देखिए अच्छे से हमारा जो गुड़ है वो पक चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी स्टेज पे मैं क्या करूँगी, अब जो हमारे जो तिल है ना फ्रेंड्स, इनको हमें इसमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ एक चम्मच घी इसमें ऐड हुआ है और देखिए मैं ना इसको इसमें डालूंगी, क्योंकि तिल में बहुत ही ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है और कैल्शियम कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये फ्रेंड्स बहुत हेल्दी भी है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से इसमें निकाल लिया है, अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से करेंगे तो देखिए डो शेप में आ जाएगा। अब आपको बस हल्का सा इसको पकाना है और इसको बंद कर देना है, गैस को ऑफ कर दीजिए। ये हमारा बंद करके तैयार है, तो गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो देखिए मैंने एक बाउल में देखिए इस तरह से घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद देखिए आप इस तरह से चम्मच से और देखिए इस तरह से आप इसको टैप कर दीजिए, अगर आपको किसी तरह की शेप चाहिए। अगर आपको शेप नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं प्लेट में निकाल करके, जैसे हम पीसेस कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, वो एकदम से जम जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा गर्म है, शेप इसमें दी है, वैसे ही शेप में इसमें दे दूंगी। आपको ये वाला प्रोसेस फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार जम गया तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप कर लीजिए। आप चाहें तो कटोरी में शेप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा है। अगर आप चाहें तो इसको इसमें भी प्लेट में भी निकाल के आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बाकी का बचा था ना, उसको देखिए मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट में इस तरह से इसको फैला दूंगी। फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए मैंने इसको फैला लिया है, तो आप इस तरह से फैला लीजिए, बहुत अच्छे से आसानी से फैल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा सेट हो गया है, तो मैं इससे देखिए पिज़्ज़ा कटर से इसके पीसेस में कट करूँगी। तो आप फ्रेंड्स इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको चोको शेप में कट कर रही हूँ। जो देखिए तिल की बर्फी है, देखिए तिलकुट की बर्फी है, ये भी देखिए अच्छे से बन करके तैयार है, मैंने इनको निकाल लिया है। और देखिए इधर जो हमारी कटोरियों में है, चलिए फ्रेंड्स इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से जम जाएंगी तो देखिए इस तरह से आप इनको पलट दीजिए और अच्छे से टैप करके आप इनको निकाल लीजिए। तो देखिए बहुत अच्छे से ये निकल के तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आप जब भी इनको ही लगाना ज़रूरी है, वरना ये निकलेंगे नहीं, अच्छे से जम जाएंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिलकुट का प्रसाद
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा श्री गणेश भगवान का तिलकुट का प्रसाद बन करके तैयार है और बहुत ही झटपट से बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह की रेसिपी जरूर